नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्बर्ट टेक्का चौक के समक्ष, जहाँ पे आप देख सकते हैं युवा शक्ति की ओर से यहाँ पे सूखा नशा शव यात्रा जो है निकाला जा रहा है, जहाँ पे काफी लोगों की संख्या में यहाँ पे भीड़ जमा है। हम लोगों से बात करने का काम करेंगे, जानने का काम करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे ये। हालांकि जो स्कूल के बाहर है होता है, वहाँ पे सिगरेट, गुटखा और अन्य चीज़ों की जो कहा जाए जो नशे की चीज़ होती है वो बिकती भी नज़र आती है, जिसकी वजह से संगति जो है वो ख़राब होता नज़र आता है। वहीं हमारे साथ युवा सारे मौजूद है, हम युवा सब जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। और भैया, आज आप लोग सूखा नशा शव यात्रा निकाले हैं, क्या कुछ है, क्या लगता है इससे सुधरेगा, समाज में कुछ सुधार आएगी? देखिए, आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है और हमारा देश का 67% युवा है और आज हमारा युवा बर्बाद हो रहा है। छात्र तो छात्र, छात्रा लोग भी नशे की चपेट में आ गए। बहुत से पेरेंट्स से बात हो रही है, उनका पेरेंट्स का कहना है कि मेरा बेटा नशा करता तो भी गलत है, लेकिन आज के डेट में मेरी बेटी नशा कर रही है। सोच लीजिए हमारा देश, हमारा राज्य कहाँ जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति पिछले एक महीने का पदयात्रा करके गली गली जाकर हम लोगों से अपील किए थे और लोगों ने हर तरह से कहा कि इस मुहिम में हम लोग साथ हैं। लेकिन हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि विधानसभा के पटल पर एक कठोर से कठोर कानून बने, तभी जाके ये चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, डेंडाइट, कोरेक्स में कानून बन पाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, बेचने वाला पकड़ाता है, 15 दिन में छूट के आ जाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए सरकार को कठोर कानून बनाना होगा, नहीं तो आज सरकार चुप बैठेगी, आने वाला ये नासूर बन जाएगा, बहुत भयानक जख्म होगा, कैंसर का रूप ले लेगा। इसलिए सरकार को कठोर कानून बनाना होगा। आज राष्ट्रीय युवा शक्ति सही चौक से परमवीर अलवाटिका चौक तक लोग शव यात्रा निकालकर सरकार से कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर यह हम लोग प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि चरस, गांजा, अफीम या फिर अन्य चीजें जो सूखे पदार्थ वाले नशे है सर, उसमें तो नशा पाया ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मदिरा पान में भी काफी नशा होता है। अब भी जो यहाँ पे युवा है, आज के जो युवा है, छात्र है, वो लोग मदिरा पान का भी नशा करते, तो आप लोग उसे आपने नहीं जोड़ा और सूखा नशा का नाम दिया आपने। देखिए, ये बरसों बरस से राजा महाराजा से मंदरा चलती आ रहा है, लेकिन सर ये युवाओं में भी ये रूप आ, इसी में बता रहा हूँ, जो नौजवान इसके आदि होते हैं उसका घर बर्बाद होता है, वो बर्बाद होता है, ठीक है। लेकिन इस पे भी रोक लगना चाहिए, रोक तो नशा कोई हो, चाहे वो सूखा नशा हो, चाहे वो शराब हो, कोई नशा, नशा पे रोक लगना चाहिए। लेकिन जिससे नौजवान बर्बाद हो रहा है, आज नौजवान 12 साल 15 साल की उम्र में फांसी लगा के आत्महत्या कर ले रहा है, बाइक में एक्सीडेंट करके मर रहा है, तो वो सारा नशा का। आज शहर में महिलाओं के साथ चैन छीता की घटना है, महिलाओं के साथ किसी का गला काट देना, ये घटना करने वाला है, ये सूखा नशा, शराब का नशा करने वाला नहीं कर सकता है। लेकिन नशा नशा होता है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सूखा नशा हो, दोनों नशा पे रोक लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप सूखा नशा पे रोक लगाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी इसमें काफी गंभीरता से गौर करती है। आए दिन जो है लोग जो पकड़ाए जाते हैं, कहीं अफीम की जो खेती होती है उसे ध्वस्त कर दी जाती है, पर कहीं ना कहीं सरकार भी इस पे बेकाबू है, पकड़ नहीं पा रही। तो क्या लगता है कि आप इस तरह से शव यात्रा निकाल करके इस चीज पे काबू पा सकेंगे? देखिए, सरकार को जो प्रयास करने चाहिए वो प्रयास अभी तक नहीं हुआ है। विधानसभा में के पटल में एक से कानून पास होती है, महत्वपूर्ण कानून पास होती है, जिस तरह अभी 1932 का खतियान का पास हुआ, ओबीसी आरक्षण पास हुआ, उसी तरह नशे पे कठोर कानून बननी होगी। भय से प्रीत होता है, कानून मजबूत होगा, कानून सशक्त होगा तो अपने आप इसमें लगाम लगेगा, बेचने वाला का डर पैदा लेगा। सरकार कानून बना दे कि जो बेचता है उसको उम्र कैद का सजा होगा, फांसी की सजा होगा, उसके बाद ये अपने आप रुक जाएगा। लेकिन सरकार को निर्णय लेना होगा, सरकार को कठोर कानून बनानी होगी। उत्तम यादव, केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा शक्ति। यहाँ महिला भी मौजूद है, हम महिलाओं से भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। आजकल जो है स्कूल कॉलेज के बाहर लड़कियां भी नशा करते दिखाई देती है, स्मोक करती दिखाई देती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, एक महिला है? बिल्कुल, मेरा नाम प्रीति सिन्हा हुआ, मैं राष्ट्रीय युवा शक्ति की महासचिव हूँ और आज ये इस दिन पे, इस खास मौके पे हम लोगों ने युवाओं को बचाने के लिए ये मुहिम चलाया है, ये शव जलाने का शव यात्रा निकाला है हम लोगों ने। कि युवा का अर्थ होता है वायु, युवा जो है हमारे आने वाले भविष्य हैं और हम सरकार के पास अपने इस अभियान के तहत बात पहुंचाना चाहते हैं कि स्कूल के बच्चे और छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र भी नहीं है अभी, वो घरों में चोरी से छुपा के, बर्तन बेच के, ऐसे मतलब
गलत क्राइम कर करके वो अपना नशा को पूरा करने के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में हमारा देश कहाँ जा रहा है, खासकर हमारा झारखंड राज्य कहाँ जा रहा है। तो इस मुहिम के तहत हम लोग सीएम से अपने दरखास्त लगाएंगे कि वो नशा के खिलाफ कोई कानून बनाए। लड़कियों के बारे में देखिए मैम, नशा ऐसी चीज़ है ना कि नशे में आदमी या लड़कियां क्या कर रही हैं उनको खुद समझ में नहीं आता है। वो खुलेआम स्मोक करती है, उनकी पड़ोसी भी आंटी अंकल साइड से गुजर जाए तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है मोराबादी में लड़कियां एकदम खुलेआम पी रही हैं और अचानक हमने देख लिया तो उनको बुला भी लेती है, आए आंटी इधर आई, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसकी जो जड़ है, जो दवाई दुकान है, दवाई दुकानों के आड़ में सूखा नशा का बिजनेस होता है, उस पर रोक लगाया जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि महिलाएं यहां पे मौजूद है और उनका कहना है कि ये जो सूखा नशा, चरस, गांजा, अफीम, डैंडेट या फिर अन्य चीज़ें हैं, उन सब पदार्थों से बचने के लिए इन्होंने यहां सूखा नशा शव यात्रा निकाला है। और उनका कहना है कि सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। हालाँकि आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि नशा मुक्त शव जो है यहाँ पे किस तरह मौजूद है। लोग इस चीज़ को दिखा करके इसी चीज़ को दर्शा रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द जो है ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि युवा आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो है बर्बाद होती भी नजर आ रही है। जीएन भारत, नेहा खान। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।